अम्मी बाजार गई हुई है और भाभी अपने मेके गई हुई है। इससे भला अच्छा क्या मौका होगा कि मैं जमशेद को कॉल करूं। कौन आ गया इस वक्त? सलाम अलैकुम खदीजा बेटा। वालेकुम सलाम पप्पू। पप्पू अम्मी तो घर पे नहीं है। चलो पीछे तो हटो, अम्मी बड़ा कोई दूर गई है, आ जाएगी अम्मी भी। पता है मुझे पिछली गली में ही बाजार गई होगी, वो बड़ा लिबर्टी जाती है शॉपिंग के लिए। कभी कोई अच्छी चीज पिलाई हो तुम लोगों ने मेहमानों को? पप्पू आ जाएगी आ जाएगी, फोन करने की इतनी क्या जरूरत है? क्या पकाया आज तुम्हारी अम्मी ने? पप्पू आप पूछ रही हो तो मैं बता रही हूँ, फिर ना कहना मुझे, जाके देख लो बेशक ढक्कन उठा के अम्मी ने आज यही पकाया है, यही पकाया है। और क्या बना ली ऐसी सौगात तुम्हारी अम्मी ने? हलवा कद्दू, वही जो आपकी छेड़ है। तुम्हारी माँ को कुछ आता ही नहीं अच्छा बनाना। कभी ये मैं आऊं तो कोई अच्छी चीज मिल जाए खाने के लिए। शाकरा से पता चला है मुझे, अमजद का रिश्ता पक्का कर रहे हो खैर से तुम लोग। और तुम लोगों को कोई पता है कि एक फुफो भी है तुम लोगों की अभी, कि जीते जी मार दिए मुझे? बोलो कान भरे थे कि किसी को ना बताना, खास करके पप्पू शबाना को। ओ खदीजा बेटा रहन दे, तू रहन दे, इतनी बची नहीं है तुम्हारी माँ। हाँ अपने खानदान में सबको बताया हुआ है, अपनी बहनों को भाइयों को, मुझे पता नहीं कैसे वो आई नहीं थी तुम लोगों के घर, तुम्हारी मामी, उसको कैसे पता चला? इतलाएं दी जाती हैं बेटा, इतलाएं दी जाती हैं, वो हम जैसे ही होते हैं जो फिर भी आ जाते हैं तुम लोगों के घर। अमजद का नाम मैंने रखा हुआ है बेटे, मैंने अमजद का नाम रखा हुआ है। अमजद पैदा हुआ था, अपने हाथ से बेसन का हलवा बना के पूरे मोहल्ले में बांटा था। ये इस फुफो के घर आता था ना, फुफो पराठा बना दो इतना सा होता था, फुफो हलवा बना दो। तुम्हारी माँ को तो कुछ आता ही नहीं था बनाना, सब कुछ मेरे से रेसिपियां ले लेके उसने सीखा है। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह देख रहे, शादी पे तो बुलाओगे ना? ये फुफ्फा फिर भी देखना शादी पे रौनक लगाएगी, ये फुफ्फा किसी को पता नहीं चलने देगी कि अंदर खाते कितना दिल दुखी किया हुआ है मेरा। चलो छोड़ो, मैं तो कभी बेटा गिले शिकवे करती नहीं, मैं तो फुफ्फा बनी नहीं कभी तुम लोगों की, मैं तो कभी तुम्हारी माँ के साथ नंदनी बनी,